हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव वर्क ब्लॉग। आज हम आपको फुटवेयर पर क्रोशी से डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। पहले क्रोशी से एक लूप बनाएंगे, फिर उसको स्टेप्स पर घुमाएंगे धागे को। हम ऐसे नीचे से घुमाएंगे, फिर वूल को लेंगे ऐसे ऊपर, फिर ऐसे दो को एक बना देंगे, फिर नीचे घुमाएंगे, फिर वूल को लेंगे, फिर दो को एक बना देंगे। देखो ऐसे हम बना रहे हैं ना, अब ये मेरे यहाँ तक आने तक 20 हो जाएंगे। आप अपनी चप्पल की लंबाई के हिसाब से देख सकते हैं, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऊपर को लाइन आई जा रही है, यहाँ तक आने तक 20 हो जाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही घुमाएंगे और ऐसे लूप, दो लूप को एक करेंगे। देखिए अब हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लिए जैसे इस साइड किया था। अब हम इधर से 3 लूप डालेंगे, 1, 2 एंड 3। इसके साथ दोबारा 3 डालेंगे, 1, 2। अब एक लूप डाल के अब यहाँ से सेकंड में जाके फिर लूप बनाएंगे इस तरह। इसके साथ एक और बनाएंगे, फिर एक खाली लूप डाल के फिर यहाँ से एक छोड़कर सेकंड लाइन में डालेंगे, फिर 2 लाइंस बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। ऐसे हमने बना लिए 2 लाइन 1 लूप 2 लाइन 1 लूप 2 लाइन 1 लूप, फिर 2 लाइन, फिर 1 लूप। ऐसे अब हम यहाँ पे कॉर्नर के पास जाकर इन सभी को एक ही जगह इकट्ठा कर ही जाएंगे। यहाँ से निकाला, क्रोशे में ही रख लिया, यहाँ से निकाला, क्रोशे में ही रख लिया, फिर इधर से भी घुमा लेंगे दूसरी साइड को। अब इन सभी को एक लूप में कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके। अब आगे फिर वैसे ही बनाएंगे, एक लूप, 2 लाइंस, एंड 1 लूप, फिर 2 लाइंस, वन लूप, फिर 2 लाइंस, वन लूप। इस तरह हमारी अब सेकंड लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही लाइन बनाएंगे, वैसे ही लाइन बना के जो ये खाली जगह है इसमें 2 लाइन बनाएंगे। ये हमारी अब थर्ड लाइन स्टार्ट हुई है, इसमें 2 लाइन बना के फिर 1 लूप, फिर वो जो आगे ऐसे इसमें
फिर टू लाइंस, इसी तरह हम थर्ड लाइन भी कंप्लीट करेंगे। अब हम पास में आ गए, हम फिर जैसे पहले ही यहाँ पे सारे लूप इकट्ठे किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ से डाला, यहाँ पे क्रोशी में रहने दिया, फिर यहीं से डाला, फिर क्रोशी में रहने दिया, फिर यहाँ से डाला और क्रोशी में रहने दिया। अब सभी लूप का एक लूप बना देंगे। इस तरह, ठीक है, ये देखिए। अब फिर एक लाइन बनाएंगे, इसमें दो लाइन निकालेंगे, ये हमारी अब थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई और ये डिज़ाइन ऐसे बन चुका है। अब हम पीछे के लिए जैसे इलास्टिक की जगह पर ऐसे लूप बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। इसको दोबारा इसी में 1 एंड 2, अब इनको एक लूप में इकट्ठा कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे फिर दोबारा 3 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर इसमें ऐसे 2 बार करेंगे, 1 एंड 2। देखो इसी तरह हमने 6 लूप बना लिए हैं। अब हम इसे इस साइड अटैच करेंगे, बस ऐसे हम इसको अब लॉक लगा देंगे। अब हम ऐसे लॉक लगा देंगे, ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। अब यहाँ पर हम कोई भी धागे से भी फ्लावर बना सकते हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं। देखिए अब हमारी चप्पल कंप्लीट हो चुकी है, हमने कितनी अच्छा डिज़ाइन बना लिया है सिंपल तरीके से, सिंपल चप्पल को कितना अच्छा लग रहा है लुक। ऐसे ही क्रिएटिव डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।